सुरक्षा लीक मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। महेश कुमावत नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला महेश कुमावत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ललित झा के सरेंडर करने के वक्त महेश भी साथ था, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है। संसद सुरक्षा चूक मामले में लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब महेश कुमावत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। बताया यह भी जा रहा है कि ललित झा के सरेंडर के वक्त महेश भी साथ था, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि संसद के अंदर जब कार्रवाई चल रही थी उस दौरान कुछ शख्स संसद के भीतर पहुंचते हैं और कार्यवाही में बाधा डालते हैं। एक बड़ी चूक का यह पूरा मामला था और उसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर एक्शन देखने को मिला। 4 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही थी। यह तस्वीर भी हम उसी दिन के आपको दिखा रहे हैं जब संसद के अंदर किस तरीके से एक शख्स आता है और वो लगातार जो है वेल में जाने की कोशिश करता है और हालांकि उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। संवाददाता शंकर फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। शंकर, बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है, महेश कुमावत नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा जिस तरह से महेश कुमावत को गिरफ्तार किया गया है, ये इस मामले में एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरह से संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ विरोध प्रदर्शन और जिस तरह से वहां पर हंगामे को अंजाम दिया गया था, इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से स्पेशल सेल की टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, तो इस मामले में पता चला था कि ललित झा का बेहद करीबी मित्र है महेश कुमावत, जो मूल रूप से राजस्थान का है। और इस पूरे साजिश को अंजाम देने में महेश कुमावत का भी एक महत्वपूर्ण किरदार रहा है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उससे विस्तार से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद आज औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर ली गई है। और जिस तरह से महेश कुमावत की अगर बात करें तो महेश कुमावत से जुड़े हुए तमाम कनेक्शंस को स्पेशल सेल की टीम जोड़ने में जुटी हुई है। और इसके साथ ही जो अन्य आरोपियों के साथ में महेश कुमावत कैसे जान पहचान में था, कैसे बातचीत होती थी, किस तरह से आपस में मुलाकात होती थी और जिस तरह से संसद के अंदर में और संसद के बाहर में जिस तरह से एक हंगामे को अंजाम देना था और एक इस मामले से जुड़े हुए तमाम साजिश को जो इंप्लीमेंट किया गया, तो उससे जुड़े हुए मामले में महेश कुमावत की क्या क्या भूमिका रही है और किस तरह से वो ललित झा के साथ जुड़ा हुआ था, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। जी ठीक है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जब ललित झा ने सरेंडर किया था उस वक्त महेश भी साथ में था, क्या इसको लेकर कोई जानकारी? आपने एकदम सही सवाल किया है। जिस वक्त में ललित झा सरेंडर किया था 2 दिन पहले कर्तव्य पथ थाने पे, उस वक्त में महेश नाम के जो आरोपी है वो भी साथ में आया हुआ था। और इस मामले पर जब वो पहुंचा तो उसको लगा था कि इस मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके खिलाफ कोई शिकंजा नहीं कसा जाएगा। लेकिन ललित झा से जब इस मामले में पूछताछ की गई और ललित झा के खिलाफ जिस तरह से आरोप बेहद संगीन लगे हुए थे, तो जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो महेश कुमावत का जो रोल है वो निकल के सामने में आया और पता चला कि किस तरह से उसकी भूमिका रही है। लिहाजा इस मामले पर ललित झा का जो स्टेटमेंट है, ललित झा के साथ साथ अन्य आरोपियों का जो स्टेटमेंट है, उसी के आधार पर महेश कुमावत को गिरफ्तार किया गया है। और अब इससे महेश कुमावत को जो है अब गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड ली जाएगी और उस रिमांड के दौरान में उसके बाद इस मामले में पूछताछ किया जाएगा कि किस तरह से उस पर जो इल्जाम लगे हैं उस इल्जाम में महेश कुमावत का क्या कहना है। हालांकि गिरफ्तारी के पहले उसे कई काफी देर तक उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद ही औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई। ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।